Hello friends, this is Miss Medico, Miss Medico Channel, and today's topic of discussion is Bacillus anthrax. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming video. So let us start. अगर हम बात करेंगे, there are six medically important gram positive bacteria. अगर हम मेडिकली देखेंगे तो सिक्स मेडिकली इम्पॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसमें से दो जो है, छः जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में से दो जो है वो कोक्साई है और चार जो है वो रॉड्स है यानी बैसिलाई है, और चार रॉड्स में से दो रॉड्स जो है वो स्पोर फॉर्मिंग है और दो रॉड जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है. और आज का जो टॉपिक है वो है बैसिलस एंथ्रेक्स, यानी जो स्पोर फॉर्मिंग रॉड है उसको हम लोग स्टडी करेंगे. इसमें एक और बैक्टीरिया आता है जिसको हम लोग क्लॉस्ट्रिडियम बोलते हैं. तो मेडिकली देयर आर सिक्स इम्पॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, हमारे पास सिक्स बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट है. इनमें से दो जो है वो कोक्साई है जिनको हमने स्टडी किया, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, और चार जो है रॉड्स होते हैं. दो रॉड जो है वो स्पोर फॉर्मिंग है और दो रॉड जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है. जो स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स है उनमें हम लोग बैसिलस एंथ्रेक्स को स्टडी करेंगे और क्लॉस्ट्रिडियम को स्टडी करने वाले हैं. आज का टॉपिक जो है वो है बैसिलस एंथ्रेक्स. सो लेट अस स्टार्ट. ये जो बैसिलस है, इट्स ग्राम पॉजिटिव है, मोटाइल है विथ पेरिट्राइकस फ्लैजला. क्योंकि ये रॉड है, स्लेंडर शेप्ड बैसिलाई है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये रॉड जो है इसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजला है, पेरिट्राइकस फ्लैजला पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर द बॉडी जो है वो फ्लैजला है. ये जो बैसिलस है ये एरोबिक होता है, मींस इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है. इट फॉर्म्स द हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स. ये जो बैसिलस एंथ्रेक्स होता है ये स्पोर्स फॉर्म करता है जो इसकी बॉडी में रहते हैं, और ये स्पोर्स जो है ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं. मींस बैसिलस एंथ्रेक्स जो है वो एरोबिक होता है. नंबर फर्स्ट हमने सीखा कि बैसिलस एंथ्रेक्स जो है ये एरोबिक है, और इसके जो पूरी बॉडी है इस पे हमारे को फ्लैजला होते हैं, पेरिट्राइकस फ्लैजला होता है, और इसमें जो है ये स्पोर्स बनाता है. स्पोर जो है वो हीट रेजिस्टेंट होता है. अब जो स्पोर्स होते हैं दे आर यूबिक्यूटस, दैट इज़ फाउंड एवरीवायर, बीइंग फाउंड इन सॉइल में पाए जाते हैं, डस्ट में, वाटर में और एयर में. दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉमनेस्ट कंटामिनेंट्स इन द बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया. और कंटामिनेशन इन्हीं की होती है जो हमारे पास कल्चर मीडियाज होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियाज, इनमें कंटामिनेशन होती है इन स्पोर्स की जो कि बैसिलस से आते हैं. हमारा जो है टॉपिक, अब हम बैसिलस एंथ्रेक्स को स्टडी करेंगे. अगर हम बैसिलस एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो देखा गया है इट इज़ द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियम टू बी ऑब्जर्वड अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में अगर हम पैथोजेनिक बैक्टीरियम की बात करेंगे, फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियम यानी डिजीज़ काजिंग जो बैक्टीरियम है वो माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा गया जो बैसिलस एंथ्रेक्स था. पॉलेंडर ने इसको देखा था 1849 में, और फर्स्ट बैक्टीरियम ऑब्जर्व किया गया, ये पैथोजेनिक बैक्टीरियम जिसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया 1849, वो था बैसिलस एंथ्रेक्स. और ये फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़, इट वाज शोन टू बी ट्रांसमिटेड बाय इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड. और ये देखा गया कि ये फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ देखी गई जो कि
ट्रांसमिट होती है बाय द इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ब्लड जो इन्फेक्टेड होता है बैसिलस से, फर्स्टली कम्युनिकेबल डिजीज़ देखी गई कि यही है जो कि ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड ब्लड से, यही डिजीज़ बैसिलस एंथ्रैक्स, इसी को देखा गया। जो ये एंथ्रैक्स काज करती है बैसिलस एंथ्रैक्स, और ये फर्स्ट बैसिलस जो है टू बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर, और यही है फर्स्ट बैसिलस जिसको प्योर कल्चर में आइसोलेट किया गया। एंड इट वॉज शोन टू पोजेस स्पोर्स, और देखा गया कि ये स्पोर्स भी पोजेस करता है ये बैसिलस। फर्स्ट बैक्टेरियम, ये जो बैसिलस एंथ्रैक्स है ये फर्स्ट बैक्टेरियम है दैट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ये पाश्चर ने देखा कि ये जो है फर्स्ट बैक्टीरियम था जिसको एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया गया। सो बैसिलस एंथ्रैक्स जो है ये फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो जिसको माइक्रोस्कोप में देखा गया। फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियम अगर माइक्रोस्कोप में देखा गया वो बैसिलस एंथ्रैक्स था। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड ब्लड से, जिसको डेवेन ने स्टडी किया था 1850 में देखा गया, वो भी बैसिलस एंथ्रैक्स है। और फर्स्ट बैसिलस टू बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर एंड इट वाज शोन टू पोजेस स्पोर्स, वो बैसिलस एंथ्रैक्स ही है जो कि आइसोलेट किया गया फर्स्ट। और फर्स्ट बैक्टीरियम यही था दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वैक्सीन एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो एंथ्रैक्स बैसिलस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो यही है, ये रॉड है, ग्राम पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स स्पोर्स फॉर्म करता है। इट मेजर्स 3 to 10 माइक्रोन मीटर इंटू 1 to 1.6 माइक्रोन मीटर, और ये टिश्यूज़ में आकर होता है सिंगली भी, इन पेयर्स या इन शॉर्ट चेन्स। मैंने कहा इसकी मॉर्फोलॉजी में ये जो बैसिलस एंथ्रैक्स है या एंथ्रैक्स बैसिलस जो है ये लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इसकी जो मेजरमेंट है वो है 3 into 10 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ, और ब्रेथ 1 to 1.6 माइक्रोन मीटर होता है, और ये टिश्यूज़ में आकर होता है, सिंगली भी फॉर्म होता है, ये पियर्स में भी आकर होता है या ये शॉर्ट चेन्स में भी आकर होता है। ये जो एंटायर चेन होती है, इन शॉर्ट चेन्स की जो एंटायर चेन होती है इट इज़ सराउंडेड बाय कैप्सूल। इसको ये यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये चेन जो है इन बैसिलस की, बैसिलस एंथ्रैक्स की चेन जो है इसको सराउंड करता है कैप्सूल। रेड में मैंने सराउंड किया इसको बाय अ कैप्सूल दैट इज़ मेड अप ऑफ डी ग्लाइटोमिक एसिड। ये ग्लाइटोमिक एसिड का बना होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड इसका नेचर है, एंड कैप्सूल इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ डी ग्लाइटोमिक एसिड। मैंने कहा ये टिश्यूज़ में सिंगली आकर होता है, इन पियर्स भी होता है या इन शॉर्ट चेन्स। ये जो शॉर्ट चेन्स होती है दे आर सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। कैप्सूल इज़ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, और कैप्सूल जो है ये पॉलीपेप्टाइड का होता है, और पॉलीपेप्टाइड जो यूजुअली कंपोज्ड होता है ग्लाइटोमिक एसिड से। अगर हम कल्चर में देखेंगे तो इस ये प्रेजेंट करता है ये बैसिलस अ बैम्बो स्टिक अपीयरेंस। जिस तरह एक बैम्बो की स्टिक होती है इस तरह से, इसी तरह ये कल्चर में हमें दिखता है बैम्बो स्टिक की तरह। स्पोर्स आर फॉर्मड इन सॉइल बट नेवर इन एनिमल बॉडी। स्पोर्स ये बनाता है सॉइल में लेकिन एनिमल बॉडी में नहीं बनाता है। स्पोर इल्यूशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज प्लास्मेंस एनहेंस्ड बाय डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में स्पोर इल्यूशन एनहेंस होती है 2% सोडियम क्लोराइड में एनहेंस होती है। अगर हम ऑक्सीलेटेड एगार में इनकी ग्रोथ कराएंगे तो स्पोर इल्यूशन एनहेंस होती है। स्पोर इल्यूशन जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जो है वो इनहिबिट होती है एनएरोबिक कंडीशंस में, क्योंकि ये एरोबिक है तो एनएरोबिक कंडीशंस देंगे तो स्पोर जनरेट नहीं होंगे, और कैल्शियम क्लोराइड से भी स्पोर जनरेट नहीं होंगे। तो मैंने कहा जो कल्चर है बैसिलस जो है वो बैम्बो स्टिक अपीयरेंस दिखाता है, बैम्बो स्टिक की तरह दिखता है। स्पोर जो है वो फॉर्म होते हैं सॉइल में लेकिन एनिमल बॉडी में वो स्पोर्स नहीं बनते हैं। अगर हम स्पोर इल्यूशन की बात करेंगे दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स दैट इज़ एनहेंस्ड बाय डिस्टिल्ड वाटर
2% सोडियम क्लोराइड अगर हम इसकी ग्रोथ कराएंगे ऑक्सीलेटेड एगार में. और स्पोरोल्यूशन जो है दैट इज़ इनहिबिटेड इन एनएरोबिक कंडीशंस एंड कैल्शियम क्लोराइड. अगर हम स्पोर्स की बात करेंगे तो स्पोर्स जो है वो सेंट्रल में पाए जाते हैं और इनकी शेप जो है जैसा कि आप देख रहे होंगे इलिप्टिकल या ओवल होंगे. स्पोर्स की शेप जो है वो ओवल या इलिप्टिकल होती है और वो सेंटर में पाए जाते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे इस बैसिलस एंथ्रेक्स में दिखाया है. अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव रेक्टेंगुलर बैसिलस, जैसा कि ग्राम स्टेनिंग में देखा गया है ये कैसे दिखता है, ग्राम पॉजिटिव रेक्टेंगुल की तरह दिखता है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है, रेक्टेंगुल दिखता है, रेक्टेंगुलर बैसिलस ग्राम स्टेनिंग में देखा गया है. अब ये एक रिएक्शन दिखाता है जिसको हम लोग MC फैडियंस रिएक्शन बोलते हैं. चूँकि इसके पास पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल होता है दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, वो हम देख सकते हैं बाय स्टेनिंग विद गुड्स पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू स्टेन फॉर 30 seconds. हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कैप्सूल होता है वो डेमोन्स्ट्रेट हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं. ग्राम स्टेनिंग में जो है ऐसे ही बैसिलस दिखते हैं रेक्टेंगुलर, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बैसिलस जो है ये रेक्टेंगुलर होते हैं. लेकिन MC फैडियंस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम इनको पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू डालते हैं तो पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू के डालने से जो कैप्सूल्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट होते हैं पर्पल एमोर्फस पर्पल कैप्सूल शोइंग ब्लू बैसिलस सराउंडिंग ब्लू बैसिलस. तो ब्लू बैसिलस जो है उनको सराउंड करता है ये कैप्सूल. इस तरह से हम लोग MC फैडियंस रिएक्शन में देखते हैं कि ये कैप्सूल डेमोन्स्ट्रेट होता है जब हम इसको पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू डालते हैं और 30 seconds तक के लिए रखते हैं मेथिलीन ब्लू. 30 seconds में ये जो कैप्सूल होता है ये हमें किस तरह दिखता है, पर्पल दिखता है और ब्लू बैसिलस जो है बीच में ब्लू बैसिलस होता है और इसको पर्पल कैप्सूल जो है वो सराउंड करता है. यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग MC फैडियंस रिएक्शन बोलते हैं. अब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये एरोबिक है कभी कभार ये फैकल्टेटिव एनरोब्स भी बन जाते हैं. अगर हम न्यूट्रिएंट एगार में देखेंगे तो राउंड कॉलोनीज दिखती है, रेजर एंड ग्रेश वाइट दिखती है. अंडर लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एज इज़ फाउंड टू बी कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग इंटरलेसिंग चेन्स ऑफ बैसिलस रिजम्बलिंग लॉक्स ऑफ मैटेड हेयर, दिस इज़ कॉल्ड मेड्यूसा हेयर अपीयरेंस. ब्लड एगार में ये जो बैसिलस होते हैं ये हीमोलिसिस नहीं दिखाते, मतलब नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज ब्लड एगार में देखी गई. कभी कभार ये नैरो जोन ऑफ हीमोलिसिस दिखाते हैं. मैंने कहा अगर हम बात करेंगे इनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये एरोबिक होते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्स जो है वो एरोबिक होता है और बीच बीच में ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक भी होते हैं. न्यूट्रिएंट एगार में ये कॉलोनीज राउंडेड होती है, रेजर्ड होती है और ग्रेइश वाइट दिखती है. और अगर हम इनको लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखेंगे इनकी जो एज होता है दैट इज़ फाउंड टू बी कम्पोज ऑफ लॉन्ग इंटरलेसिंग चेन ऑफ बैसिलस, वो जो एज ऐसे लगता है कि जैसे बैसिलस जो है जैसे हेयर ने एंटैंगल किया होता है, मैटेड हेयर जैसे लगता है, इनकी एज वैसे ही दिखती है. और इस मैटेड हेयर लाइक रिजम्बलेंस जो है बैसिलस की उसको हम लोग मेड्यूसा अपीयरेंस बोलते हैं, मेड्यूसा हेड अपीयरेंस. इस तरह से जैसे हेयर एंटैंगल्ड होता है वैसे ही इनका एज दिखता है, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा हेड अपीयरेंस. ऐसे ही लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में एज जो है वो इनकी इंटर एक्टिंग लगती है रिजम्बलिंग द मैटेड हेयर की तरह, जिसको हम लोग मेड्यूसा हेयर अपीयरेंस बोलते हैं. और ये नॉन हीमोलिटिक होते हैं ये कॉलोनीज, ओकेजनली नैरो जोन ऑफ हीमोलिसिस दिखाती है. अब बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ग्लूकोज माल्टोस और सक्रोज जो है ये फर्मेंट कर सकते हैं. ये मैंने एंथ्रेक्स को दिखाया है,
सॉरी, ये मैंने एंथ्रेक्स को दिखाया है यहाँ पे, और ये फर्मेंट करता है ग्लूकोज को, माल्टोज को और सुक्रोज को, और एसिड प्रोडक्शन होती है, नो गैस, गैस रिलीज नहीं होता है। और ये सिक्रीट करते हैं कैटालेस, कैटालेस यहाँ पे ये बनाते हैं। तो जो कैटालेस वाली रिएक्शंस है ये बैसिलस दिखाता है। अब रेजिस्टेंस जो है, वेजिटेटिव फॉर्म जो है, इट गेट्स किल्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स। इसकी जो वेजिटेटिव फॉर्म होती है वो किल्ड हो सकती है 60 डिग्री पे, जब हम इसको हीट देंगे 30 मिनट्स तक के लिए, तो वो किल हो जाएगा बैसिलस। स्पोर फॉर्म जो है, स्पोर्स जो है वो रेजिस्ट करते हैं ड्राई हीट एट 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 3 आवर्स एंड बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स। रेजिस्ट कर सकते हैं स्पोर्स। स्पोर्स किससे डिस्ट्रॉय होते हैं? देन 4% पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन 15 मिनट्स तक के लिए, अगर हम इस सॉल्यूशन में स्पोर्स को रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय होंगे। ऑटोक्लेविंग से डिस्ट्रॉय होते हैं एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। मीन्स जो वेजिटेटिव स्पोर्स फॉर्म होती है इस बैसिलस की, उसमें 60 डिग्री तक के लिए रेजिस्ट कर सकते हैं इन 30 मिनट्स, लेकिन उसके बाद वो किल हो जाते हैं। स्पोर्स जो है वो रेजिस्ट करते हैं ड्राई हीट एट अ टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री फॉर 1 to 3 आवर्स एंड बॉइलिंग भी रेजिस्ट करते हैं फॉर 10 मिनट्स, लेकिन डिस्ट्रॉय होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से और ऑटोक्लेविंग से। एंटीजेंस जो है, इस बैसिलस के 3 एंटीजेंस होते हैं। कैप्सुलर, जो कैप्सुलर एंटीजेंस होते हैं वो कैप्सूल पे होते हैं, और वो वेरुलेंट स्ट्रेन्स होती है, वो वेरुलेंट होते हैं, डिजीज़ काजिंग होते हैं। और सेल वॉल पे भी कुछ एंटीजेंस दिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये वाले जो एंटीजेंस है ये कैप्सूल के एंटीजेंस है, ये वाले जो एंटीजेंस है ये सेल वॉल के एंटीजेंस है। और यूजुअली सेल वॉल जो एंटीजेंस है वो पॉलीसेकेराइड के होते हैं, और बॉडी में भी कुछ एंटीजेंस होते हैं जिनको हम लोग सोमैटिक, ये मैंने येलो से दिखाए हैं, सोमैटिक एंटीजेंस जो हीट लेबाइल प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली। और ये जो एंटीजेंस है ये स्टिमुलेट कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को, और जनरेट कर सकते हैं एंटीबॉडी दैट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर। मीन्स एंटीबॉडीज जो बनेगी वो प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट द सोमैटिक एंटीजन। और 3 तरह के एंटीजेंस मैंने कहा ये फॉर्म करता है ये बैसिलस। कैप्सुलर एंटीजन जो वेरुलेंट होता है, सेल वॉल एंटीजन जो पॉलीसेकेराइड होता है, और सोमैटिक एंटीजन जो कि हीट लेबाइल प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एंटीबॉडीज़ रिलीज कराता है विच आर प्रोटेक्टिव। अब जो टॉक्सिन्स है यहाँ पे, ये बैसिलस एंथ्रेक्स 3 कंपोनेंट्स होते हैं टॉक्सिन का, और कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ओडीमा फैक्टर पहला फैक्टर जो ये रिलीज़ करता है, जिसको हम लोग ओडीमा फैक्टर बोलते हैं या फैक्टर फर्स्ट। दूसरा जो ये रिलीज़ करता है उसको प्रोटेक्टिव एंटीजन PA या फैक्टर सेकंड बोलते हैं। थर्ड जो है उसको हम लोग लीथल फैक्टर बोलते हैं या फैक्टर 3। मैं कहा 3 कंपोनेंट्स होते हैं टॉक्सिन्स जो कि रिलीज़ करता है बैसिलस एंथ्रेक्स। पहला जो है उसको हम लोग ओडीमा फैक्टर बोलते हैं, OF या फैक्टर फर्स्ट। दूसरा जो है प्रोटेक्टिव एंटीजन जिसको PAR फैक्टर सेकंड बोलते हैं, और थर्ड जो है उसको हम लीथल फैक्टर या फैक्टर 3 बोलते हैं। इंडिविजुअली ये तीनों फैक्टर्स नॉन टॉक्सिक है, इंडिविजुअली ये कुछ भी नहीं कर सकते, नॉन टॉक्सिक है, लेकिन बट द मिक्सचर ऑफ 3 प्रोड्यूसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड एंथ्रैक्स, सॉरी एंथ्रैक्स टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स। जो 3 है वो बनाता है, इनका जो जुड़ है तीनों का मिक्सचर बनाता है एंथ्रैक्स टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स, जो डिजीज़ काज कर सकता है। मतलब तीनों जो है वो इकट्ठे डिजीज़ काज करते हैं, इंडिविजुअली ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें जो फैक्टर सेकेंड होता है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव एंटीजन बोलते हैं, वो बाइंडिंग करता है, मतलब जो टारगेट सेल होती है, ये टारगेट सेल होती है इसको ये बैसिलस होता है हमारा एंथ्रेक्स बैसिलस, इसको बाइंड, ये जो टॉक्सिन होता है उसकी बाइंडिंग कराता है। PA वाला जो फैक्टर है दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल,
मतलब अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्टिव एंटीजन और फैक्टर सेकेंड। अब जो पहला फैक्टर है, फैक्टर फर्स्ट, जिसको हम अडीमिक फैक्टर बोलते हैं, अडीमा फैक्टर बोलते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, दैट इज़ एडेनाइल साइक्लेस। वो एक एंजाइम होता है एडेनाइल साइक्लेस। हमको पता है कि एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। जब अडीमा फैक्टर जो है एक्टिवेट हो गया होगा, फर्स्ट फैक्टर जो है वो एक्चुअली एडेनाइल साइक्लेस होता है। जब सेल में ये ज़्यादा होगा तो ये एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडीमा। तो अडीमा फैक्टर जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है अडीमा के लिए। लीथल फैक्टर जो है वो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका मैकेनिज्म पता नहीं है कि ये कैसे सेल डेथ करता है। ये था इसका टॉक्सिन, जो कि है तीन फैक्टर्स, अडीमा फैक्टर, फैक्टर फर्स्ट जो अडीमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटेक्टिव फैक्टर, प्रोटेक्टिव एंटीजन, और फैक्टर सेकेंड जो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लीथल फैक्टर RLF, और फैक्टर थ्री जो कि सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब है पैथोजेनेसिस। एंथ्रैक्स जो है, इट इज़ द डिजीज़ ऑफ एनिमल्स, मीन्स इट इज़ द जूनॉटिक डिजीज़। लाइक कैटल एंड शीप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कभी कभार लेस ऑफन हॉर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्फेक्शन ऑकर्स इन ससेप्टेबल एनिमल्स बाई इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स दैट आर फाउंड इन द सॉइल। मैंने यहाँ पे दिखाया, जब वो इनहेल करेंगे सॉइल में से स्पोर्स, तो तब इनको ये डिजीज़ होगी। डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू एनिमल रेयर है, मतलब डायरेक्ट ये स्प्रेड नहीं होती है। बैसिलस एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स डिजीज़, स्प्रेड नहीं होती है डायरेक्टली एनिमल से एनिमल तक। इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर वो डिस्चार्ज करेंगे स्पोर्स, तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब स्पोर्स जो है अगर वो डिस्चार्ज करेंगे तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ह्यूमन एंथ्रैक्स, ह्यूमन एंथ्रैक्स जो है, ह्यूमंस और ओकेजनली सेकेंडरीली इन्फेक्टेड फ्रॉम डिजीज एनिमल्स। जो डिजीज एनिमल होते हैं उनसे ही ह्यूमंस फिर इन्फेक्ट होते हैं। और क्लिनिकल थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं जो कि एनिमल्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं। नंबर वन क्यूटानियस एंथ्रैक्स, नंबर सेकेंड पल्मोनरी एंथ्रैक्स, नंबर थर्ड इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। ह्यूमन एंथ्रैक्स के तीन वेरिएंट्स हैं, क्यूटानियस एंथ्रैक्स, पल्मोनरी एंथ्रैक्स और इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। क्यूटानियस एंथ्रैक्स जो है एक्चुअली ये स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इट फॉलोज़ द एंट्री ऑफ द स्पोर्स थ्रू द एब्राडेड स्किन। जब हमारा स्किन एब्राडेड होगा, जब हमारा फेस या नेक या हैंड्स या बैक जो है, वही कॉमनली इन्फेक्टेड साइट्स होती है जो कि इन्वॉल्व होती है क्यूटानियस एंथ्रैक्स में। क्यूटानियस एंथ्रैक्स जो है, जब हमारा एब्राडेड स्किन होगा, फेस होगा, नेक होगा, तो ये स्पोर्स एंटर करेंगे वहाँ पे स्किन में, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन करते। मेनली ये जो है फार्मर्स को होता है, और पर्सन जो कैरकेसेस एनिमल्स के हैंडल करते हैं वहाँ पे इन्हीं को होता है। फार्मर्स को होता है ये वाला एंथ्रैक्स, और जो हैंडल करते हैं ना कैरकेसेस एनिमल्स के, वो ही को ये क्यूटानियस एंथ्रैक्स होता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, पहले ये स्टार्ट होता है, लीजन जो है ये पैप्यूल होता है पहले, और पस फॉर्मिंग लीजन, लेटर ऑन इसमें फ्लूड जमा हो जाता है, पस्चूल बनता है। विजाइकल कंटेनिंग फ्लूड इज़ द पस्चूल, और वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है दैट लेड्स टू द कंजेशन एंड अडीमा ऑफ द एरिया ओवर दियर। यहाँ पे जो एरिया होता है ये अडीमाटस बन जाता है, और वहाँ पे विद अ सेंट्रल नेक्रोटिक लीजन, यहाँ पे आप देख रहेंगे सेंट्रल में नेक्रोसिस, जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे हाल्ट हो जाती है तो वहाँ पे नेक्रोटिक रीजन बनता है सेंट्रल में, और दैट्स कवर्ड बाय अ ब्लैक HR, वहाँ पे एक ब्लैक थिंग बनता है, क्योंकि एंथ्रैक्स का मतलब होता है कोल, कोल कम्स फ्रॉम HR, कोल जो है, एंथ्रैक्स जो है वो उसका मीनिंग होता है, एंथ्रैक्स कम्स फ्रॉम कोल, कोल का मतलब होता है, कोल को हम HR भी बोलते हैं, विच ब्लैक कलर, HR का मतलब होता है ब्लैक कलर, इसलिए इसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे
क्यूटानियस एंथ्रैक्स में HR फॉर्मेशन ब्लैक HR जैसा बनता है। अब है पल्मोनरी एंथ्रैक्स, इट आकर्स ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये पर्सन जो है इसने एंथ्रैक्स स्पोर्स को इनहेल किया है। एंथ्रैक्स स्पोर्स जब एंटर करते हैं लंग्स को एंड ट्रैवल टू द एयर कंटेनिंग एल्वियोलर स्पेसेस, यहाँ पे ये एल्वियोलर स्पेसेस में स्पोर्स वाइट कलर के एंटर कर रहे होंगे एंड स्पोर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द लिम्फैटिक सिस्टम टू द ग्लैंड्स दैट लाई बिटवीन द स्टर्नम एंड द स्पाइनल कॉलम मेडियास्टिनल लिम्फ नोड्स वेयर दे फॉर्म मेक द डेडली टॉक्सिन। एक्चुअली एंथ्रैक्स जो है पल्मोनरी एंथ्रैक्स, ये ब्रोंको नोमोनिया कॉज करता है, हेमोरेजिक ब्रोंकोनोमोनिया, यहाँ पे हेमोरेजिक ब्रोंकोनोमोनिया होता है लंग्स में और ब्रोंकोनोमोनिया होता है और ये वहाँ पे होता है जब हम वूल इनहेल करेंगे, वूल डस्ट जो है वो इनहेल करेंगे, वूल फैक्ट्रीज में होता है ये पल्मोनरी एंथ्रैक्स और इसको इसीलिए वूल सॉर्टर्स डिजीज भी बोलते हैं पल्मोनरी एंथ्रैक्स को, क्योंकि ये वूल इंडस्ट्री जहाँ पे काम कर रहे होंगे वहाँ उन्हीं को वूल के फ्लैमेंट्स को इनहेल करने से होता है एंड इट लीड्स टू हेमोरेजिक वूल ब्रोंकोनोमोनिया एंड इट हैज़ हाई फैटेलिटी रेट। पल्मोनरी जो एंथ्रैक्स है इट हैज़ हाई फैटेलिटी रेट, ठीक है। इंटेस्टाइनल लगे एंथ्रैक्स ये बहुत ही रेयर होता है, इट्स मोर कॉमन इन मैन और ये बहुत रेयर होता है, इन्फेक्टेड मीट खाने से होता है ये, यहाँ पे स्पोर्स चले जाते हैं इन्फेक्टेड मीट से स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, वो बहुत ही रेयर होता है। लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लेबॉरेट्री में हम स्वैप में देख सकते हैं, फ्लूड में देख सकते हैं, या अगर हम पस्चूल से कलेक्ट करेंगे उनसे, उनमें भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, स्प्यूटम से सैंपल ले सकते हैं, ब्लड से फ्रॉम द पल्मोनरी एंड सेप्टिसेमिक एंथ्रैक्स और जनरली कलेक्टेड, फीकल स्पेसिमेन भी ले सकते हैं और पेरिटोनियल फ्लूइड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स से, हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड भी ले सकते हैं लेबॉरेटरी डायग्नोसिस तक देखने के लिए कि एंथ्रैक्स है कि नहीं है। ट्रीटमेंट क्या देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और यूज फॉर द ट्रीटमेंट, दो एंटीबायोटिक्स है, एक तो डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन होते हैं। यूजुअली एंटीबायोटिक्स आर इनएफेक्टिव वंस टॉक्सिन इज फॉर्म्ड, ऑल्दो इट मे रिड्यूस द केस फैटलिटी रेट। दिस वॉज ऑल अबाउट द बैसिलस एंथ्रैक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके डू कमेंट, आपको नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच।